वेलकम टू कृष्णा क्लासेस फ्रेंड्स। और जो एडवांसमेंट की जो आज की क्लास है उसमें जो एलजेब्रा के जो कल तक के हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे उनसे आगे वाले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ जो एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं। हर बार अपन फॉर्मूला सॉल्व करते हैं और फॉर्मूला की ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी मैं सॉल्व करता हूँ। आप ही घर बैठ के अलग अलग जो भी आपके पास बुक्स है उन बुक्स से उनसे रिलेटेड जो है एग्जांपल सॉल्व करें ताकि वो फॉर्मूला जो है वो आपको आसानी से पकड़ में आ सके, उनकी ट्रिक्स आपको ढंग से याद हो सके। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलाज पे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी। ठीक है, लेकिन मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, लिख सकता हूं ना। अब देखो ये मैंने आपको बताया क्यों है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन आने वाले। कैसे, देखिए एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स जो है उसकी वैल्यू यदि a हो तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अब फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी क्या दिया है, हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे। देखो ये इसकी फॉर्म है, इसका मान चाहिए, इसका फॉर्म ये रहा, ये मुझे a दिया हुआ है तो मुझे वैल्यू चाहिए, तो मैं देखो रख के दिखा देता हूं एक बार। बोलिए इसको x प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर है उसको मैं खोल लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया टू ए बी, 2 into x into 1 by x, x x cancel out हो जाएगा, मेरे पास बचेगा x plus 1 by x का whole square, यहाँ हो जाएगा x square plus 1 by x square plus 2, इसकी value मुझे a दे रखी है, तो मैं लिख सकता हूँ a square हो जाएगा, तो a square, यहाँ बच जाएगा x square plus 1 by x square plus 2, इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो a square equal a square minus 2 equals to x square plus 1 by x square। तो ये इसकी ट्रिक हो गई है। तो देखो ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसे दिया हुआ आता है तो आपको इसकी वैल्यू डायरेक्टली रखनी है a square minus 2, a square minus 2, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब आप कहोगे सर ने तो एक ही ट्रिक बताई, तो मैं देखो इससे रिलेटेड और भी बातें बताता हूं, ये आपको समझ आया ना। आप देखिए ठीक है, अब देखिए मेरे को ये दिया हुआ है, ये चाहिए तो मैं ये लिख सकता हूं। अब देखो यदि मेरे को x पावर 4 1 बाय x स्क्वायर x पावर 4 चाहिए तो क्या करूंगा, तो देखो ये 1 1 पावर वाले थे 2 2 पावर वाला हुआ, तो मैंने क्या किया जो वैल्यू मुझे दे रखी उसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दिया, सही है ना। अब मुझे यहां स्क्वायर है, मुझे 4 4 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो देखो ये जब दिया हो तो मैं क्या करता हूं इस वैल्यू का स्क्वायर करके 2 माइनस कर देता हूं, तो ये निकालना हो तो क्या करूं, इसका हाफ ये है, जैसे इसका हाफ ये था तो इसका हाफ ये है, तो मुझे ये वैल्यू पता है a स्क्वायर माइनस 2, तो मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करूंगा और इसमें से 2 माइनस कर दूंगा, समझ गए मेरी बात। ये वैल्यू निकालनी थी डबल, तो मैंने दी हुई वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस कर दिया। यदि मुझे 4 चाहिए तो 4 का आधा कितना होता है 2 2 पावर वाला, तो मतलब ये तो इसका स्क्वायर करके मैं उसमें से भी क्या माइनस कर दूंगा 2 माइनस कर दूंगा। आगे देखो x पावर 8 प्लस 1 बाय x पावर 8 होता तो क्या करता, तो ये वैल्यू है इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 माइनस कर देता, तो a स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इस पूरे में से स्क्वायर करके माइनस 2 कर देता। ये सारी ट्रिक्स है। देखो यदि मेरे पास 16 होता तो मैं क्या कर देता x टू द पावर 16, x टू दी पावर 16 होता तो क्या करता मैं इस पूरे नंबर का स्क्वायर करके फिर 2 माइनस कर देता, तो मेरे पास बनता a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, ये तो पहले वाला नंबर है, इस पूरे का भी स्क्वायर करके मैं माइनस कर देता। बात तो ऐसे ही ध्यान रखे, आपको यदि इसका पता है और ये पता है तो आप ऐसे ही भर सकते हैं आगे से आगे, बस डबल होता जाएगा। तो हमेशा जो नंबर इससे कम वाले का दिया हुआ है आधी घात वाले का दिया हुआ है, स्क्वायर वाला था तो इसके आधी घात ये थी, दो की एक घात होती है, तो ए था, ए का स्क्वायर करके माइनस 2 कर दिया। दो का 4 दिया हुआ है, 4 का आधा 2 होता है, मतलब 2 वाले की वैल्यू का स्क्वायर करके फिर आधा माइनस 2 कर दो। 8 दिया है तो 8 का आधा 4 होता है, 4 वाले की वैल्यू का स्क्वायर करके फिर 2 माइनस कर दो। 16 दिया हुआ है तो 16 का आधा 8 होता है, तो 8 वाले की वैल्यू का स्क्वायर करके फिर माइनस 2 कर दो। ठीक है, ये सारी ट्रिक्स हो गई है। ठीक है, मैं आपको इससे रिलेटेड एक सवाल भी कराता हूं। एक्स प्लस 1 बाय एक्स आपको 5 दे रखा है और आपको वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। मैं सबकी वैल्यू निकाल के देता हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट की तरह बताता हूं।
इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। अभी क्या अपन ने इसकी वैल्यू पांच है, पांच का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये टू इधर आएगा, पांच का स्क्वायर पच्चीस, दो माइनस हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया तेईस, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर तो ये हो गया तेईस। ये तो हो गया इतना बड़ा। शॉर्टकट करने के लिए मैंने क्या बोला था, यदि एक्स प्लस वन बाय एक्स ए दे रखा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स होता है ए स्क्वायर माइनस टू, तो इसकी वैल्यू जो है पांच दे रखे तो पांच का स्क्वायर माइनस दो यानी तेईस। देखो एक सेकंड में हुआ ना क्वेश्चन, तो ये ट्रिक है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। एक्स प्लस वन बाय एक्स जो है वो आपको दे रखा है तीन, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर पे भी आपको चाहिए आधी घात का तो ये है ना, तो इसकी इस वैल्यू को स्क्वायर करके लिख दो, सात का स्क्वायर माइनस दो तो ये होता है उनतास, उनतास माइनस दो ये हो गया सैतालीस, ठीक है। इसी तरीके से आप एक्स की पावर आठ प्लस वन बाई एक्स की पावर आठ कर सकते हैं, कैसे, सैतालीस का स्क्वायर करके उसमें से टू माइनस कर देना। आगे मेरी बात समझ में, कोई डाउट है किसी को तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। ये तो प्लस वाली, माइनस वाली हो तो क्या करें। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स यदि ए दिया हो और मुझे वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की, तो कैसे निकालूंगा। एसएससी में इनमें ये हमेशा आता है, ध्यान रखना। तो देखिए एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर में ओपन करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाय एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। इसकी वैल्यू मुझे ए दे रखी है तो मैं ए और स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस टू इधर आया तो क्या हो गया प्लस टू और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये इसकी ट्रिक हो गई है। तो यदि आपको ये दिया हो तो आप ये लिख सकते हैं और डायरेक्टली आंसर बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक्स माइनस वन बाय एक्स आपको दिया हुआ है दो और आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए सीधी ट्रिक है, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस टू, इसकी ए की वैल्यू टू है तो टू स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू फोर, तो हमारा आंसर फोर आने वाले, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर एक और बात बता देता हूं, यदि आपको x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 चाहिए तो क्या करोगे, तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, कैसे, माइनस से वैल्यू आई है प्लस की वैल्यू निकाल दी। अब इसका वही जैसे अभी मैंने पिछली बार बताया था कि जो होता है उस फॉर्मूले को यूज करो और आगे आगे वैल्यू बढ़ाते रहो, तो आप भी क्या करोगे, जैसे इसकी वैल्यू थी, इसे डबल पावर की पूछी है तो आपने किया ए स्क्वायर प्लस टू, ये दे रखा हो इसे डबल पावर की पूछोगे तो आप यही करोगे ए स्क्वायर प्लस टू, नहीं ये गलत है। हमको क्या है, देखो माइनस में दे रखा और प्लस में पूछे तो वैल्यू होती है हमारी ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। वैसे ही यदि प्लस का दे रखा हो और प्लस में ही वैल्यू पूछे तो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस टू। अभी देखो हमें ये वैल्यू दे रखी है फोर, ये प्लस की है और प्लस में पूछा है, तो हम भी क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू करेंगे, मतलब इस फोर के स्क्वायर में से टू माइनस करेंगे, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, टू माइनस चला जाएगा हमारे पास बच जाएगा फोर्टीन। एग्जाम में ऐसे घुमाया जाता है और हम क्या करते हैं, माइनस दे रखा है, ये दे रखा है और उसको वैसे निकाल लेते हैं, यहां तक सही है। बस ध्यान देना, माइनस देकर प्लस पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला यूज करना है और प्लस देकर प्लस पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला यूज करना है।
आगे मेरे पास मैंने ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग कल सॉल्व करेंगे, और जो मैंने अभी कहा है कि रिवर्स में अभी हम करना सीखेंगे उसके बारे में भी हम कल बात करेंगे। तो कोई भी वीडियो आप मिस मत करो, क्योंकि ये जो स्टेप चल रही है वो स्टेप बाय, ये जो वीडियो चल रहे वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। यदि आपने एक भी वीडियो मिस कर दिया तो स्टेप भी आपकी मिस हो जाएगी और आपके जो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक है वो भी जो है मिस कर दोगे आप, ठीक है। एडवांस में ऐसे ही नहीं आने वाली, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, आपका और कोई फ्रेंड है जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी सीजीएल एनडीसी पटवारी पुलिस इनकी तैयारी कर रहा है, तो उसे आप जो है हमारे चैनल से जोड़िए, हमारी वीडियोस दिखाइए। यदि उसको पसंद आते हैं तो लाइक करिए और जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल पर जुड़ सके और उनको भी मैथ अच्छे से आ सके, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नई वीडियोज में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।